किया बादलों में सफ़र जिंदगी भर, बनाया ना जमी पर घर जिंदगी भर, और सब जिंदगी के मज़े लूटते हैं, गौर फरमाइएगा, सब जिंदगी के मज़े लूटते हैं, आया ना ये हुनर हमें जिंदगी भर। और मोहब्बत रही चार दिन जिंदगी में, फिर से गौर फरमाइए, मोहब्बत रही चार दिन जिंदगी में, रहा चार दिन का असर जिंदगी भर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश मुदगल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ निंगबो शहर के, मेरे शहर के सिटी सेंटर में। कैसा है मेरे शहर का सिटी सेंटर और क्या नाम है सिटी सेंटर का? इस सिटी सेंटर का नाम है थियई स्क्वायर, इसका नाम है थियई प्लाज़ा, थियई प्लाज़ा इसको बोलते हैं। इसके दोस्तों हैं दो पार्ट, एक पार्ट है गरीब लोगों के लिए और एक पार्ट है अमीर लोगों के लिए। तो कैसे है, इधर है ये हमारे गरीबों का, गरीबों का कैसा होता है मॉल मैं आपको भी दिखाऊंगा, उधर है अमीर लोगों के लिए। वो अमीर लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि वहाँ पे है सारे हमारे ब्रांड, जितने भी ब्रांड दुनिया भर के जो भी सब कुछ है वो उधर है, और इधर भी कुछ ब्रांड है लेकिन वो है हम जैसे व्यक्तियों के लिए। तो कैसे हैं इधर के ब्रांड, किस तरह के आए हमारे यहाँ का सिटी सेंटर, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग चैनल में। हेलो, तो हम चलते हैं अंदर, अंदर चलते हुए इस तरह से यहाँ पे है ये रास्ता, इधर भी एक यहाँ पे मॉल है। इस मॉल के अंदर क्या क्या है ये भी आपको दिखाएंगे, और इधर से है इस तरह का कुछ यहाँ पे व्यू। यहाँ पे दोस्तों भीड़ काफ़ी है, हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है क्योंकि सिटी का सेंटर है, और कुछ ब्रांड्स हैं इस तरह यहाँ पर खुले में ब्रांड है। ये क्या ब्रांड है इसका, ARC आर्क टेरिक्स, पता नहीं क्या है ये, है हमारा स्वारोवस्की। कौन कौन से ब्रांड हैं जिनकी स्पेलिंग मुझसे नहीं पढ़ी जा रही, ये इजी है कैसियो। फिर यहाँ पे है ये भी एक मॉल है, इन टाइम नाम से मॉल है यहाँ पे। यहाँ पे है घड़ी, घड़ी भाई जी कौन सी है, घड़ी है हमारी, पढ़ लो दोस्तों, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ लो, वो कौन सा है, MF हुसैन क्या है, IWC कार्टियर, ये मैं पढ़ पाया, वाह क्या बात है भाई यश मुदगल। और जी इधर क्या है, ओमेगा, ओमेगा ये भी मैंने पढ़ लिया। इधर क्या है ये आप पढ़ो, ये क्या है, इधर चलो जी, घड़ी, इतनी बड़ी घड़ी कौन सी घड़ी है, पेनेराय है ये घड़ी। और जी ये क्या है, पढ़ लो दोस्तों, पढ़ लो, आप पढ़ लो, नहीं पढ़ पा रहा। और ये एब्रोकॉम्बी है एंड फिच, ये है कुछ इस तरह के यहाँ पे। और ये तो दोस्तों एक दिन दोस्तों लेके जाऊंगा इसके अंदर आपको, और क्या लूँगा वो भी, उसका भी करेंगे रिव्यू। ये है हमारा रोलेक्स, वाह भाई वाह, देखिए जी देखिए, बढ़िया सूरज निकला हुआ है। और जी भीड़ है ख़तरनाक वाली, मजाक की भीड़ नहीं है, अच्छी भीड़ है। और एक्चुअल में यहाँ पे हमारा चाइनीज़ न्यू ईयर भी चल रहा है, सूरज देवता है दोस्तों, दर्शन करेंगे, सूरज देवता को प्रणाम करेंगे, जल भी देंगे, लेकिन जल यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया जा रहा है फुव्वारों के द्वारा। और आप देखो जी इधर से भीड़ खतरनाक, अच्छी भयंकर भीड़। ये कुछ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जो यहाँ के सबसे महंगी जगहों में से हैं, तो मित्रों इस तरह की है यहाँ पे कुछ संरचना। एक यहाँ पे मॉल है जो प्रॉपर मॉल है, वो मैं आपको अभी दिखाया था, उससे अंदर जाके वहाँ पे अंदर और भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, आप घूम सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ लगे हुए हैं ये फव्वारे। एक शूट हम रात को करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिएगा YouTube चैनल में, आपको दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा यहाँ का फाउंटेन शो है, यहाँ पे फाउंटेन शो होता है रात को। और इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाहर दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी हम चलेंगे, यहाँ पे एक एप्पल स्टोर है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, यहाँ का सबसे बड़ा, निंगबो शहर का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर। और एक यहाँ पे शिनजांग रेस्टोरेंट है जिसमें खाना खाने का, शिनजांग एक प्रोविंस है दोस्तों, तो वहाँ के लोग कुछ कुछ भारतीय जैसे लगते हैं, इतने खास चीनी नहीं होते वो लोग, तो उस रेस्टोरेंट में चलेंगे, शिनजांग प्रोविंस का रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैठने का, घूमने का अच्छा है, आ सकते हो, घूम सकते हो, आते भी हैं लोग, देखते भी हैं, बैठते भी हैं, बैठने की जगह है, बच्चे रहे हैं खेल, हम भी थोड़ा सा खेलते हैं, देखते हैं, बच्चे हमें बड़े पसंद है, छोटा सा बच्चा खुश है, मुस्कुरा रहा है, इनके पिताजी हेलीकॉप्टर के साथ खेल रहे हैं। सौंदर्यीकरण आप देख सकते हैं, सौंदर्यीकरण काफ़ी है। एक चर्च भी है यहाँ पे सामने, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है एक चर्च, ये है
कौन सा प्लेयर है जी दोस्तों, वो क्या नाम है उस प्लेयर का, जॉर्डन, जॉर्डन जॉर्डन का है लीनिंग, यहाँ का चाइनीज़ ब्रांड है, एक यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड है, और जो मैं आपको बता रहा था एप्पल स्टोर वो रहा वहाँ पे एप्पल स्टोर, वहाँ पे भी लेके भी चलेंगे। ये सामने ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण का मंच है, ये उड़ रहा है हेलीकॉप्टर। और जी यहाँ पे कोई भी इवेंट अगर होता है तो यहाँ पे स्टेज लगती है, स्टेज लगने के बाद जितनी भी ऑडियंस है वो ऑडियंस सब इधर बैठती है, काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी गैदरिंग यहाँ पे हो जाती है। और आप दोस्तों पता नहीं वीडियो में देख पा रहे हैं नहीं, ये हमारे दोस्त हैं, दोस्त हाय करो, कॉलोंग से हाय, हेलो गाइस, ये हमारे मित्र हैं, लाइक एंड पुट सजेस्ट सजेशन सजेशन, ये हमारे परम मित्र हैं। जो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाए या नहीं, इतनी बड़ी जगह होने के बाद भी एक यहाँ पे आपको पन्नी का छोटा टुकड़ा नहीं मिलेगा, जितना भी आपको देखो जितनी सफाई है यहाँ पे, जितना भी कूड़ा आपको मिलेगा, कूड़ा मिलेगा केवल कूड़ेदान के आसपास। और ये अब भाई साहब आ गए हैं, अब देखो ये कूड़ेदान को पूरे को लेके जाएंगे, इसको खाली करेंगे, सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, सौंदर्यीकरण पे यहाँ पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं और लोग उसे मेंटेन रखते हैं। सौंदर्यीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सौंदर्यीकरण को क्या बोलते हैं। देखो ऐसे ये आएंगे, भरा इन्होंने पन्नी में था वो सब, पन्नी निकाली, अब इसमें ये दूसरी पन्नी लगाएंगे। ये चाबी रखी हुई है, इस चाबी से ये खुलता है, इसको ऐसे बंद किया ताले से और फिर दूसरी तरफ से खोला इन्होंने। अब ये इसी तरह से इसको भी निकालेंगे और इस तरह से इसको भी डाल देंगे। ये जो दोस्तों आपको चिमनी दिखाई दे रही है ना, ये चिमनी जैसी, ये है स्मोकिंग जोन, यहाँ पे सिगरेट पीते हैं, पीने के बाद इसी में डाल देंगे कहीं को, देखते हैं कुछ दिखता है नहीं, बड़ी गहरी है तो इसे भी इसी तरह से आते हैं खोलेंगे, जितना भी कूड़ा है उसे लेके चले जाएंगे। कहीं पे आपको सड़क पे यहाँ पे देखो सिगरेट के जहाँ पीने की जगह है उसके आसपास भी एक आपको टोंटा नहीं मिलेगा बीड़ी या सिगरेट का, सब सफाई का यहाँ पे पूरा ध्यान रखते हैं। और गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है लेकिन जो आम जनता है जिम्मेदार है, बड़ा सपोर्ट करती है। बादल क्या कह रहे हैं, बादल में आज क्या बना हुआ है, बादल में कुत्ता है, भालू है, शेर है, चीता है, देख के ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखना आज बादलों में क्या बना हुआ था। तो मुझे एक शॉट लेना था हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा है, हेलीकॉप्टर को ख़रीद लेंगे, ये बेच रही हैं हेलीकॉप्टर तो इनसे लेंगे हेलीकॉप्टर। अरे तो सच है, तो सच है, चलो 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 शूक है, हमने ले लिया है हेलीकॉप्टर, इनको करेंगे पैसे ट्रांसफ़र। वो चीज जो गे नहीं बा वो इहो पुयुंग जगला वो जो आप खाई गई शिफ्ट हादा हादा नहीं जो शावता नहीं शाह मा कहीं ओशो मा हादा। हमने ले लिया हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, देखते हैं कैसा उड़ेगा, अच्छा उड़ेगा, बढ़िया। तो जी तैयार हो जाओ, हेलीकॉप्टर हमारा उड़ेगा, 1 2 3 4 उल्टा उड़ गया ये तो अटेम्प्ट दोस्तों ख़राब हो गया, दोबारा उड़ाएंगे, दोबारा 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 उड़ाते हैं। ये तो जी क्रैश हो गया, यहाँ पे नीला है, नीचे मफा है, सब जगह से मफा ही था, दोस्तों उड़ा के तो रहेंगे, चलिए यो में फायदा नीचे लीची। अब हम खेलेंगे इसके साथ वाई गो कग। तो जी ये मुझसे अच्छा कर रहा था, ओके ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नीचे ला शीशे नहीं आ शीशे ओशो 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 शीशे नहीं हुई इंग्वन मा यहाँ के बाद हम चलते हैं, यहाँ के बाद आपको लेके चलता हूँ एप्पल स्टोर में, दिखाता हूँ अंदर से कैसा है यहाँ का एप्पल स्टोर, चलते हैं।
यह है दोस्तों पीसवर्ड नाम का एक ब्रांड, ये मेरे ही शहर का ब्रांड है। मेरी इसका जो ओनर है वो हमारे इस निंगबो शहर के में ही थे, एक दोस्त के दोस्त भी हैं। और जी पर ये आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पीसवर्ड, चाइना में शायद, विदेश का तो मुझे नहीं पता, दूसरी कंट्रीज़ का। लीनिंग, ये मैं आपको बता रहा था, ये जो लीनिंग है, ये लीनिंग भी चाइनीज़ ब्रांड है जो, ये है लीनिंग, उसके वहाँ है स्वाच घड़ी का। तो ये पीसवर्ड GXG, ये पता नहीं कहाँ का है, कैसे है। और एक यहाँ पे है ये होटल न्यूशिपू रेस्टोरेंट, और एक यहाँ पे है चाइना गोल्ड, ये है गोल्ड खरीदने का, ज्वेलरी का, गोल्ड का एक शोरूम। तैयार खड़े हैं रिसीव करने के लिए, कोई नहीं आ रहा। ये यहाँ पे कुछ नया बन रहा है, इंतज़ार में है ये महिला, ये औरत, ये है नाइक, ये लेके जा रहा है, जो भी लेके जा रहा है लेके जा रहा है। ये है इधर से नाइक, और ये है हमारा एप्पल स्टोर, ये है एप्पल आउटलेट अंग्रेजी में बोले तो, इस तरह का है। लेकिन शायद लगता है, चलते हैं हम, चलते हैं अंदर। आजकल यहाँ पे भीड़ कम नहीं है, इस तरह के काउंटर बने हुए हैं, कुछ हैं घड़िया। ये है हमारा iPhone 14 जो ट्रेंड में है, वो है 14, ये शायद ये भी 14 है। ये 14 Pro है उधर, चार्जर इन्होंने iPhone वालों ने देने बंद कर दिए। और ये इधर है रखा है प्रो, 14 Pro, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं iPad। आप देख पा रहे हैं ये 64 GB का जो है 4799 RMB, 4800 RMB का है। अभी यहाँ पे दोस्तों सेकंड फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर पे भी आपको लेके चलते हैं। एक है इधर से रास्ता जीने का, एक है इधर से रास्ता जीने का। ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब है जिन्हें शायद खुद सिक्योरिटी चाहिए। और ये यहाँ पे घड़ी के पट्टे वट्टे अगर आपको ख़रीदने हैं, कवर वगैरह आपको ख़रीदने हैं, ये इधर है। अब तो हेडफोन भी आ गए। ये है इधर लिफ्ट का सिस्टम, और इधर ये है जीना जिससे हम चलेंगे ऊपर, सेकंड फ्लोर भी आपको दिखाएंगे एक बार। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे दोस्तों ये रिपेयर वगैरह का है, जो रिपेयर वगैरह ज़्यादा हो गए यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। इस तरह का है यहाँ पे हमारा एक सेकंड फ्लोर, और यहाँ पे भी भयंकर भीड़ है। जब मेरे फ़ोन में एक समस्या आ गई थी तो रिपेयर का जो सिस्टम है वो इधर है, आप देख पा रहे हो, ये सब है इधर रिपेयर का सिस्टम, और ख़रीदने और इतने का सब सिस्टम है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ से हम देख पाएंगे हमारे निंगबो का एक व्यू, ये हमारे निंगबो का थेई स्क्वायर जहाँ पे हम थे। आपको एक ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, ये ऊंची ऊंची इमारतें। एप्पल अपने मेन आउटलेट के लिए जगह हमेशा बढ़िया ही चुनते हैं। हमारे जो मित्र हैं ये कुछ पी रहे हैं, और इस तरह का है यहाँ का, ये यहाँ पे ये एसेसरीज़ हैं एप्पल की, जो भी आपको एसेसरीज चाहिए, स्टैंड है, जो जो भी है, चार्जर है, वायरलेस चार्जर है। और ये अगर आपको ड्राइव वगैरह चाहिए, क्योंकि एप्पल तो एक हाथी है दोस्तों, ख़रीद तो लो पर इसे चलाने के लिए तो आफत ही आफत है। चार्जर दिखाता हूँ, ये चार्जर है, वायरलेस चार्जर है, और यह है 399 RMB का। और ये डबल चार्जर है, डबल चार्जर है शायद 1000+ RMB का। ये हमारे जो है इस तरह का, घड़ी भी चार्ज हो जाएगी और मोबाइल भी, इस तरह का चार्जर है 900+ का। लैपटॉप की वो है कुछ, ये मैकबुक जो एयर है ये यहाँ पे 7999 UN का है।
तो जी एप्पल स्टोर से बाहर आने के बाद अब यहाँ पे ये है गली, इस गली में सब हैं जो भी हैं सब रेस्टोरेंट हैं। शुरू होता है KFC से, KFC को यहाँ पे बोलते हैं खंडंगसी टाउन स्टोरी, इसमें पता नहीं क्या क्या स्टोरी, ताले लग गए जी इसके तो ताले लग गए। और जी इधर कुछ नया बन रहा है, इधर से जितने भी हम चलते चलेंगे यहाँ पे सब रेस्टोरेंट ही हैं, बच्चे अपने काम में हैं। एक नज़र हमारी चेहरे पे भी मार गए, कौन है ये अजीब सा आदमी पूछते हुए किसी चीज़ का पता। जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो वहाँ जाना पड़ता है, वो भी वहीं पे जाएंगे। अब एक है इधर, ये है एक है इधर, हम चलते हैं इधर। सब लगे हुए हैं फ़ोन में, ठंड आज ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, फ़ोन में फ़ोन के साथ साथ धूम डंडिया दो युवतियाँ चैन लगाती हुई, शायद ठंड लगी हुई है। और ये है एक यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह, ये जो लड़की डांस कर रही है एक्चुअल में ये खेल रही है वीडियो गेम। अब तो इंडिया के हमारे शहरों में भी, हमारे देश में मेट्रो सिटीज़ में खूब इस तरह की जगह हैं, इसमें भी देखते हैं टाइम मिले तो घुसेंगे इसमें भी। अभी एक दो काम निपटाएंगे उसके बाद इधर रोमांस का एक दृश्य, हमारे भाई जी अभी भी ढूंढ रहे हैं टॉयलेट, इन्हें जाना है टॉयलेट। और वो उधर आ जाएगी मेन रोड, वो भी यहाँ की जगह प्रसिद्ध सड़क है। और इधर से है ये मछली है, कुत्ता है क्या है बताओ, क्या लग रहा है कुत्ता है मछली है क्या है, ये है हीमो क्या है नहीं पता। इधर चले, इधर चलते चलते ये भी हमारी तरह कोई अकेला आदमी जीवन में तन्हा, यहाँ क्या है बच्चों के खेलने का है ये जगह। टाइम मिला इसमें भी जाएंगे, हमें ये बड़ा पसंद है, ये खिलौने पकड़ने में बहुत मज़ा आता है। फिर है कुछ इस तरह का, ट्रेन आ गई दोस्तों चल रही है, इसमें बैठे हैं ना बैठे सोचेंगे। यहाँ पे जी क्या है, ये हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है दोस्तों, ये वीडियो भी बन रही है, ये हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अरे ये जो महिलाएं भी धूम्रपान कर रही हैं, हमें देखकर थोड़ा सा ये सिगरेट को छुपाती हुई फेंक दी। ये है यहाँ का एक और कूड़ेदान, इस कूड़ेदान में इधर डाल दो कूड़ा और इसमें दिखाता हूँ क्या है, इसमें भर दो सिगरेट, जहाँ पर वो भी डाल के गई। एक और यहाँ पे रोमांटिक दृश्य, प्रेम की कुछ घड़ियाँ। तो जी दोस्तों अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एक शिनजियांग रेस्टोरेंट है, जिस जगह का मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था, अब हम वहाँ पे चले जो जगह है ये, चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मिल रही हैं ये बड़ी बड़ी रोटियाँ, कितने की है ये, 6 RMB की है एक। गाने बजा रखे हैं इन्होंने, ये हैं रोटियां, वो बन रही रोटियां, ये है तंदूर। चलते हैं अब इसके अंदर, चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। खूबसूरत तो बनाया हुआ है ये, तो कुछ लोग खाना खा रहे हैं। हम भी बैठते हैं यहाँ पे। ऑर्डर करने के लिए मेन्यू नहीं है, मेन्यू के लिए इसे यहाँ पे स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद जो मेन्यू आ जाएगा उस मेन्यू से मोबाइल से सीधा ऑर्डर कर लेंगे। पहले बोलेंगे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। इस तरह का कुछ यहाँ पे मेनू है, जो भी आपको खाना है खाने के बाद आप उसे कर दो ऑर्डर, खाने से पहले, गलत बोल गया मैं, भूल चूक माफ़ यारो दोस्तों।
तो जी वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पे आपको दिखाऊंगा रात का नाइट शो, जो फाउंटेन शो है। तो फाउंटेन शो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और मैं शुरू करता हूँ, देखिए आप फाउंटेन शो। मैं जब मकाऊ में था दोस्तों, मैंने मकाऊ में देखा था इस तरह का फाउंटेन शो, फिर उसके बाद मुझे यहीं पे देखने को मिला। रात के समय यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 7 बजे इसका टाइम है, 7 से 7:30-8 बजे तक ये शो चलेगा। अभी स्टार्ट होने वाला है और हो चुका है स्टार्ट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग था, हमने आपको दिखाया हमारे यहाँ का निंगबो का सिटी सेंटर, और जी उम्मीद है, आशा है आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही मेरा ईंधन है, जैसे गाड़ी के लिए चाहिए फ्यूल, ऐसे ही आपका सपोर्ट, आपका प्यार है हमारा फ्यूल। आप प्यार देते रहिए, फ्यूल भरते रहिए, और हम वीडियो बनाते रहेंगे, और मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।